वैद्य जी कहला हुआन कि यदि ई तेल से तेरा जम के 6 महीना मालिश करल जाए नू तो तू पहले जैसन दौड़े लगबा। वैसे तार बहुत हो गल बैठल। कुछ दिन बाद तू अपन दोस्त लोग के साथ कबड्डी ना फुटबॉलो खेलबा। माई इलाज तो चलते बा, तनी तेलो ला के देख ली। ऐसे इलाज पे कोनो थोड़ी असर पड़ी। अब बैद जी कहला हुआ तो जरूर कोनो बात होगी नू। अरे वाह, ई देखा एकदम हीरो नियर लगत रह तू। माई ई देखा एकदम गबरू जवान लगत रह बाबूजी। धत कुछो बोले ले तोहार बाबूजी एकदम अपन बेटा जैसन लगत अड़े राजकुमार। माधव काल तू आशा के नैहरे गए रहले ना, वहाँ का भइल? सब ठीक रहल, लेकिन एगो बहुत बड़का गड़बड़ बात हो गए। वो का? पता ना हमर बसुरिया कहाँ रह गए। ठीक भइल, वो बसुरिया से तो पीछा छूटल ना, दिन भर वही बसुरिया में उझराइल रहला। माई तू तो जाने लू ना कि बसुरिया के हमर जिंदगी में का अहमियत है। दूसर बसुरी ले ली है। चला खाना लगा देता दी, खा ल। हर बिखर काम काम काम, खाए के तो जैसे होसे नहीं खे रहला तहरा। पता नहीं रातों को खेले होखे कि ना। अरे माई खाना से ज्यादा जरूरी नू काम होखेला, आ काम खाती रात का और दिन का। देखा बाबूजी भी यह कहत बारन। बाबूजी ई ना कहत बड़न, बाबूजी कहत बड़न कि आदमी के अपन सेहत के ध्यान रखे के चाहिए। माधु भैया, बड़का भैया बोले लेन तोहरा के। हे माई हम अभी जात बनी। पहले खा ले, हम जानत आनी। एक बार तू काम शुरू करबे तो सवेरे से सांझ हो जाई। अरे बड़का भैया बुलेल हुआ तो जरूर कोई काम होगी ना, ना तो ऐसे ना बुलाए लनु। कैसन हालत बना ले बाड़ा अपन, हवेली में इतना नौकरन के होत काही नौकर जैसन बन गए बाड़ा। अपना हवेली में नौकर जैसन काम करे के तोहरा की का जरूरत बा। एमे नौकर वाला का बात बा माँ, हाँ घर में आदमी ऐसे ही रहनु और अपन काम करे में काहे के शरम। और निर्भय भैया हमर कितना ध्यान रखेला, अगर ऊ ना रहतन तो हम संख्या आज बाबूजी के। अच्छा छोरा माई सब बात के हम बड़का भैया से भेंट करके आओ तुम, ठीक बा? ई भैलू हमार माई। ठीक बा हम जाते नहीं और खाना खा लें। भैया रुआ बुलाई नहीं है का? बाकी आवे में तारा बहुत टाइम लग जाता आजकल। भैया एक ठो काम रहल, माने कि बाबूजी के हम नहला धुला के तेल मालिश करत रहे और वो वैद्य जी नहीं खन, वो एगो तेल देले बड़न। वो बोल रहा हुआ कि बाबूजी के अगर एकला लगाई जा रही हूँ तो बाबूजी 6 महीने में ठीक हो जाए। माने तारा हमरा पर भरोसा नहीं करा। ना भैया हमरा तो यह लागत था हम उनका इलाज डॉक्टर से करवा रहल बनी आ तू वैद्य हकीम सर के चक्कर में पड़ल बड़ा। ना भैया ऐसा कोनो बात नहीं के, भगवान जाने लगन कि सबसे ज्यादा विश्वास हम रोगे पे करें और हम सोचनी कि इलाज तो चलते बा तो हम तनी तेलो लगा के देख ली, इसे इलाज में कोई असर थोड़ी पड़ी। ठीक कहा तारा, तू मालिश करो उनकर हम के गोरी के भेज देते नहीं बाजार। ना भैया हम ही जा, केहू के कहे के जरूरत नहीं के। ना ना तू 4-6 महीने का छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो, तहार काम में मन नहीं खेला। आदमी के वह काम करे के चाहिए जन्म में मन लगे। ना भैया हम ही काम करो। अरे भाई तू काहे काम करबो, तू हवेली के नौकर थोड़े हो, तू काहे करबो काम। भैया हम ही करो।
देखो, तू ही हवेली के नौकर ना हुआ, हमार भाई हुआ। आओ इसे चाहता नहीं हम कि हवेली के जो जिम्मेदारी वाला काम बा वो परिवार के लोग करे। बाकी नौकर तो एक खोजो हजार मिलिया सुन। जी भैया, हम अब ये जात बनी और वह काम के चिंता मत ली, अब हम काम पूरा करके ही लौटे। जा माधव। जी भैया। रुको तो नहीं, पैसा रख लो, टेम्पू का मामला बा, जरूरत पड़ सकेगा। जी भैया। हाँ सुनो, हाई कुल कारोबार तोहरे बल पर खड़ा करे बने, अब तार भरोसा हम कबो ना तोरे। हमरा तरफ भरोसा बा, जा। जी भैया। हमरा के निराश करबे तो तोर जिनकी निराश हो जाई रे माटी के माधव, ते हमार अमृत वचन के पत्ते। जल्दी कर, बड़का भैया कह रहा हूँ उनकी सामान समय पे पहुँचाए के बाद, जल्दी लो। माधव बबुआ। जी भौजी। तनी इहवा आवा तो। ठीक बा, आवा तनी भौजी। ला। प्रणाम भौजी। बबुआ, हुआ ब्याह में सब कैसन रहे बतावा तनी। बहुत अच्छा रहे भौजी, और रउआ बारे में तो सब कोई पूछत रहे, और देवेंद्र तो एकदम राजा नियर लागत रहे, और घर के इतना अच्छा से सजाइल गए रहे, हम का बोली। और वैसे वहाँ पे खूब नाच गाना भय, पता ना राउर गांव के वो लड़की रहे, पता ना ओकर नाम कह रहे, लेकिन ओकरा नाचे गावे बहुत अच्छा आवेला। और खाना भौजी, आहा बहुत अच्छा, जान तरू पूरी कचौरी पांच तरह की सब्जी, और उकरा बाद मिठाई में रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, बालूशाही और बहुत कुछ रहे भौजी। हर भैया तो गैलन नहीं, सब जना तो पूछत हो कि तरू का जाई के कुछ हो। दरोगा भैया। का का भैल बोलो भौजी। माधव बाबू, सोचा था नहीं कि टेम्पो लेके हमू चल जाएंगे बाजार ना। का है भैया? अरे भाई, तू भौजी के संगे तनी गप सड़का लड़ा लो, हम ही लेके चल जाते ना बाजार, का हो गए? ना भैया, हम तो ऐसे ही, हम अभी ये जात बनी। का हो? का गप सड़क का हो तो देवर हो जाए, जे हमरा होते चुप हो गए लगे, एकदम सन्नाटा। का हम सुनी बोला बोल। अरे भाई, हम तार पति हैं, पति तो परमेश्वर होला नू, परमेश्वर से बात छुपाइबू तो पाप हो जाए। तू तो बड़ा संस्कारी पत्नी हो, हाँ, तू चाहकर भी पति से कोनो बात नहीं छुपा सकत, बुझाइल? हम तो बस इतनी पूछनी है कि रउआ देवेंद्र के ब्याह में नइखे गइल रहली त लोक समाज कुछो कहत त ना रहेलो। हत तेरी के, एक नंबर के गधा बनी हम। हमरा दिमाग में तनको बात ना आइल कि लोक समाज अगर तारा के कुछ कह दलस तो तारा इज्जत के का होई। बाकी तू फिकर मत करो, हम जाए, हम अपन ससुरारी जरूर जाए। भाई तुम्हार पत्नी हो, अब पत्नी के इज्जत रखल हमार फर्ज हो, तो तहार इज्जत बढ़ावे खातिर हम जरूर जाए। लेकिन जानते हो कब जाए? जब तेरा बाप के लाश उठी तो उनका चिता पर लकड़ी डाले,
ताकि जब तक दामाद के हाथ से ससुर जी के चिता पर लकड़ी ना पड़ी ना, मोक्ष ना मिली। हम तो अपना ससुर जी से बहुत प्यार करे नी, क्या हमारा धर्म पत्नी के बाप हुआ। अरे अरे का हुए लो? घर हुआ मत, चुप हो जा। अरे हम जाए ससुरारी, काहे फिक्र करता रही? चुप हो जा। अरे अपनी आंसू के बचा के रखो, तार बाप अभी जिंदा बाड़ा। देखो तू रुआ मत, तू हमारे खातिर चुप हो जा। देखो देखो तू रो तो फिर हम रो दे। चुप हो जा, चुप चुप, बंद कर यहां से। अरे सुस्की पहले बंद कर, पहले सुस्की बंद कर। देखो बंदो मुंह में कपड़ा ठूस, कपड़ा ठूस मुंह में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले माई की तो बचा वेदा। माई तो बची है जाए, बड़ी जब्बर बा। बाकी हमार पोता की कुछ ना होई के जाए डॉक्टर साहब। ओकरे की कुछ गरीब पर बचा ले डॉक्टर साहब। तनी धीरज धरी। हमार पोता डॉक्टर साहब। ए माई, कुछ नहीं होई तेरा पोता के। चल भाई। साहब सब ठीक बना? ये सब कुछ रवा लोगन के लापरवाही के कारण भई। रवा के चाहे करे कि आपन पतों की जिम्मेदारी से देखभाल करती,
ये तो भगवान की कृपा बा, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। अब ठीक से देखभाल करिया लोगिन। डॉक्टर साहब, बच्चा के देखनी है? हाँ, बच्चा एकदम स्वस्थ बा, ओकरा कुछु नहीं के भाई। साहब, कृपा बा भगवान की। रुआ बताएं, लड़का बा की लड़की? रुआ मालूम नहीं के कि इकुल बताइल गैर कानूनी बा का भाई? ऐसे कैसे क्यों बताती? यदि गैर कानूनी बा तो हम एकरा ऊपर कानूनी कागज का महर लगा देता नहीं। बताइए, लड़का बा की लड़की